भारत सरकारच्या वित्तमंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय भाभी जी, मंगल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल भाई आणि या सभागृहात उपस्थित असलेले मुंबईतील विविध क्षेत्रातले मान्यवर उपस्थित भगिनी आणि बंधूंनो, मी सर्वप्रथम मुंबई महानगरपालिका आणि लोढा फाउंडेशन या दोघांचेही अतिशय मनपूर्वक आभार मानतो की आमचे लाडके नेते आदरणीय अरुण जेटलीजी यांच्या नावाने एका चौकाचं नामकरण आणि त्यांच्या स्मरणार्थ एक मेमोरियल, आज त्याचं लोकार्पण निर्मलाजींच्या हस्ते झालं. मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि इस लोकार्पण के लिए निर्मला जी से दूसरा कोई व्यक्ति एप्रोप्रिएट नहीं होता, क्योंकि न केवल निर्मला जी ने अरुण जी के साथ बहुत ही नजदीक से कार्य किया है, अपितु कार्य की जो धरोहर अरुण जी ने तैयार किए उसको आगे ले जाकर और समृद्ध करने का काम आज निर्मला जी कर रही है, और इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इस मौके पर वे यहां पर आई और उन्होंने इसका लोकार्पण किया. हम सभी के लिए अरुण जी एक मेंटर के रूप में थे, और मैं ऐसा मानता हूं कि 5 मिनट भी अरुण जी के साथ बैठना एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता था. अरुण जी को हम दिल्ली में मिले तो मुंबई में चलने वाली सारी घटनाएं उनको पता होती थी, उसमें से 2-3 चीजें पूछ लेते थे, उस पर अपनी राय भी व्यक्त करते थे, और जैसा मंगल जी ने कहा जो राय वो व्यक्त करते थे एक दिशा दर्शक इस प्रकार की राय होती थी. अरुण जी ने अपने जीवन में एक मूल्य आधारित जीवन जिया, उनके जीवन में वैल्यूज को बहुत ज्यादा महत्व था. एक व्यक्तिगत शुचिता जो होती है उसका उन्होंने हमेशा पालन किया. अरुण जी को शायद खाना पसंद होगा या घड़ी, पेन, चश्मा, जो भी चीजें उनको पसंद होगी वो सारी चीजें उन्हें अपने व्यक्तिगत कमाई से खरीदी, लेकिन जहां तक सरकारी खर्चे का सवाल आता था तो अरुण जी हमेशा कंजर्वेटिव होते थे और वो कहते थे कि मैं मेरी कमाई से जो कर सकता हूं मैं सरकार का पैसा क्यों खर्चा करूं. और कभी भी उन्होंने इस प्रकार की भूमिका नहीं रखी, और व्यक्तिगत जीवन में हमेशा जो उच्चतम मूल्य है उन मूल्यों को उन्होंने प्राधान्य दिया. इसलिए अरुण जी का व्यक्तिमत्व एक पारदर्शी व्यक्तिमत्व था. किसी के भी साथ मिलते समय कोई बैगेज नहीं होता था. किसी भी स्तर के किसी भी व्यक्ति के साथ देश के बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े उद्योगपति और छोटे से छोटे व्यक्ति या छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ अरुण जी मिल सकते थे, बात कर सकते थे और सेम पेज पर आ सकते थे. जो बुद्धिमत्ता अरुण जी के पास थी, मैं ऐसा मानता हूं कि ईश्वर ऐसे चंद लोगों को तैयार करते हैं, उन चुनिंदा लोगों में से एक अरुण जी थे, और मैं ऐसा मानता हूं कि उनका जो वर्णन प्रधानमंत्री जी ने किया
भारत देश के महान सपूत, इससे अच्छा वर्णन दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी जिंदगी देश के लिए काम करने वाले अरुण जी। एक छात्र नेता के रूप में इमरजेंसी के समय कारावास में, उसके बाद राजनीति में, हर जगह उन्होंने एक अपनी अमिट छाप हम सबके सामने छोड़ी। और विशेष रूप से जिस रोल में वो थे, फिर बिल्कुल कम उम्र में जिसमें सारा बोफोर्स का मामला बना, उसमें वीपी सिंह सरकार ने एक जिम्मेदारी उनको अधिवक्ता के रूप में दी, उस समय का उनका कंट्रीब्यूशन हो, या लॉयर करके देश के अलग अलग मामलों में उनका कंट्रीब्यूशन हो, मैं ऐसा मानता हूं कि उस कंट्रीब्यूशन के कारण लीगल फील्ड में उनको मानने वाले, उनसे दोस्ती रखने वाले, उनसे प्रेरित होने वाले बहुत लोग हमको देखने को मिलते हैं। एक राजनेता के रूप में उनको मंत्री के रूप में भी हमने देखा, विपक्ष के नेता के रूप में भी हमने देखा, और विपक्ष के नेता के रूप में उस समय की सरकार पर जिस समय वो हमला बोलते थे, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा देश टेलीविजन के सामने चिपक कर बैठता था और किसी भी चीज को सुलझा कर बोलना, चाहे वो फाइनेंस की हो या किसी कानून की हो, कठिन चीज को इतने साधारण शब्दों में वो बता देते थे कि जिसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी नहीं समझते ऐसे व्यक्ति को भी चीज बिल्कुल ध्यान में आती थी। और उस समय जो वातावरण उन्होंने तैयार किया, लेकिन जिसका भाभी जी ने जिक्र किया कि जिस सरकार के खिलाफ इतना बड़ा वातावरण उन्होंने तैयार किया, उनके सभी लोगों से व्यक्तिगत संबंध उनके कभी खराब नहीं, क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि अरुण जी विपक्ष के नेता के रूप में अपना काम कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत दुश्मनी रखने वालों में से नहीं है। और मुझे लगता है कि उस समय के सारे उनके भाषण जो है वो बहुत पॉपुलर हुए। देश के वित्त मंत्री के रूप में जो उन्होंने काम किया, और विशेष रूप से सबसे बड़ा काम जो शायद अरुण जी जैसा ही व्यक्ति कर सकता है, जीएसटी को लागू करना। इस देश के अंदर अलग अलग पार्टियों की सरकारें, उन सरकार अपने अपने विषय, और मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं तो राज्य के अपने स्वार्थ होते हैं, क्योंकि जब वन टैक्स होता है तो हमारे भी ध्यान में आते हैं कि चार टैक्सेस अगर चले जाएंगे तो हमारे पास पैसा कम आएगा, ये तो बाकी लोगों को ज़्यादा मिलेगा, और इसलिए सारे राज्यों के स्वार्थ होते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती है। लेकिन ऐसे सभी लोगों को सेम पेज पर लाकर वन नेशन वन टैक्स का सपना, जीएसटी को यथार्थ में लाने का काम ये अरुण जी ने करके दिखाया। और सबसे महत्व की बात यह है कि जीएसटी काउंसिल, जो अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर्स की मिलकर काउंसिल बनती है, तुम्हारे उस समय के अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी वहां जाते थे, जाने से पहले क्या बात करनी है, हमारा क्या राय है, इस पर हमारी चर्चा होती थी, आने के बाद भी होती थी, एंड एवरी टाइम ही वॉज अमेस्ड कि इतने सारे लोग वहां तैयारी करके आते थे कि हम विरोध करेंगे, अब ये नहीं होगा, ये नहीं होने देंगे, बाहर बोलकर आते थे, और अरुण जी बड़ी शांति के साथ, पेशेंस के साथ सबकी बात सुनते थे, पेशेंटली एक एक चीज का जवाब देते थे, और इतने डाइवर्स लोग होने के बाद कभी कोई फैसला वापस नहीं लेना पड़ा, और किसी एक भी फैसले पर मतदान नहीं हुआ, सारे फैसले एक मत से सबको साथ में लेकर पूरा कंसेंसस बनाकर अरुण जी करते थे। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो कला अरुण जी में थी, आज उसी के कारण जीएसटी जैसा एक टैक्स, और हम देख रहे हैं उस समय जो उन्होंने फोरकास्ट किया था जीएसटी के बारे में,
वो आज हमको बिल्कुल यथार्थ में आता हुआ दिखाई पड़ता है। बल्कि कोरोना के कठिन काल में भी आज जीएसटी जैसे टैक्स के कारण, चाहे वो राज्यों की अर्थव्यवस्था हो चाहे केंद्र की अर्थव्यवस्था हो, जरूर उस पर प्रेशर आया, लेकिन उसमें वो हम सर्वाइव कर पाए और अभी थ्राइव भी करेंगे, इस प्रकार की अवस्था है। और मैं निर्मला जी को भी इसलिए बधाई देना चाहूंगा कि ये जो परंपरा अरुण जी ने शुरू की, उस परंपरा को आगे ले जाकर उसका निर्वाह करते हुए उसी ताकत के साथ, उसी हिम्मत के साथ, उसी डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला है। ये जरूर है कि जब भी कोई सवाल आता है तो जरूर निर्मला जी को, अरुण जी की याद आती होगी, और ऐसे समय उसका जवाब भी ये मिलता होगा कि वे विचार करती होगी कि अरुण जी होते तो क्या करते, और शायद उसी में उनको जवाब मिलता होगा, इसीलिए इतने अच्छे तरीके से ये सारी चीज को वो आगे ले जा पाई है। आईबीसी जैसा एक कोड जिसने देश के बैंकिंग को और उद्योग को एक नया चेहरा दिया, आज आईबीसी के कारण हम दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ पाए, दुनिया के इन्वेस्टर्स के मन में हमने एक कॉन्फिडेंस पैदा किया, उसको जिस प्रकार से अरुण जी ने तैयार किया और लागू किया, आज हम देख रहे हैं कि देश के फंसे हुए एसेट्स धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, बैंकों के एनपीए कम हो रहे हैं, और एक प्रकार से एक फाइनेंशियल सिस्टम में एक अनुशासन उसके माध्यम से हमको दिखाई पड़ता है। वैसे तो इतने अलग अलग फैसले अरुण जी के जीवन में उन्होंने लिए हैं कि उन सभी पर प्रकाश अगर हम डालें तो समय भी बहुत लगेगा, किंतु मैं ऐसा मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मोदी जी का विजन था इस देश के बारे में, और उस विजन को एक्शन में ट्रांसलेट करने का काम अगर किसी ने किया होगा तो अरुण जी ने करके दिखाया, जो बड़ा कठिन था लेकिन बिल्कुल उसको देश के अंदर उन्होंने करके दिखाया। सच तो यह है कि मोदी जी के इस 2.0 वर्जन में अरुण जी भी होते तो शायद प्रगति की गति में एक बहुत बड़ा उनका साथ होता, उनका जो इंजन है वो बड़ी तेजी से भागता, और निश्चित ही मुझे लगता है कि देश के लिए और काम वो कर पाते, किंतु हमारे बीच वो नहीं रहे। और ऐसे व्यक्ति का स्मारक मुंबई के साथ उनका एक अपना संबंध रहा है। भाभी जी ने जैसे कहा कि बचपन तो मुंबई में कई बार उन्होंने गुजारा, लेकिन जब भी मुंबई में आते थे और उनके साथ हम लोग चर्चा करते थे, बातचीत करते थे, तो मुंबई की नस नस से वो वाकिफ थे, एक एक व्यक्ति को पहचानते थे, यहाँ की एक एक घटना उनको मालूम होती थी, और उसका क्या अन्वयार्थ होगा ये भी उनको पता होता था। तो एक प्रकार से मुंबई के साथ उनका रिश्ता था, और मुंबई में उनका स्मारक होना, मैं ऐसा मानता हूँ कि सभी मुंबईकरों की और महाराष्ट्र के सभी लोगों की ये ख्वाहिश थी, आज वो पूरी हो रही है, और मुझे विश्वास है कि ये स्मारक तो हम सबको प्रेरणा देगा, पर उनके विचार उससे भी ज़्यादा प्रेरक थे। और मेरे जैसे राजनीति में जो काम करने वाले लोग हैं, इनको हमेशा जब भी प्रेरणा की आवश्यकता पड़ेगी तो हम अरुण जी की तरफ देखते हैं और देखते रहेंगे, और उनकी तरफ से प्रेरणा पाकर एक साफ सुथरी और देशहित की राजनीति करने के लिए हम हमेशा प्रेरित होते रहेंगे। ऐसे हमारे इस लाडले नेता, देश के एक महान अधिवक्ता, एक महान विचारक, एक महान इकोनॉमिस्ट, और साथ साथ जिनको खेल की दुनिया में विशेष इंटरेस्ट था, क्रिकेट में जिनका विशेष इंटरेस्ट था, ऐसे एक स्पोर्ट्स पर्सन अरुण जी को निश्चित रूप से हम सभी लोग मिस करेंगे, पर ये स्मारक उनकी याद हमारे लिए हमेशा
ताजी बनाए रखेगा। मैं फिर एक बार मुंबई महानगर पालिका, हमारी नगर सेविका, लोढ़ा फाउंडेशन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।